महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे नालासोपारा पश्चिम में आपसी विवाद में जमकर हिंसा और उत्पात मचाया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस भी इस मामले को लेकर सक्रिय हो गई है। वाहन पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी शुरू हो गई। हिंसा और उत्पात की ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वही फुटेज सामने आने के बाद पुलिस भी एक्टिव हुई और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार रिहायशी सोसाइटी में हिंसा और उत्पात की घटना मुंबई से सटे नालासोपारा पश्चिम के दीप हाइट बिल्डिंग की है। बताया जाता है कि यह घटना 29 अक्टूबर रात की है, जहां सोसाइटी के सेक्रेटरी और किराए पर रहने वाले एक शख्स के बीच पार्किंग को लेकर कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि इसके बाद किराए पर रहने वाले युवक ने अपने 30 से 35 अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। उन युवकों ने सोसाइटी में जमकर उत्पात मचाया। वहीं इन युवकों ने सोसाइटी के सेक्रेटरी को न केवल बुरी तरह से पीटा, बल्कि गेट को तोड़कर सोसाइटी के अंदर भी दाखिल हो गए थे। नालासोपारा वेस्ट में डीप हाइट्स करके सोसाइटी है, वहां पे झगड़ा हो गया था परसों के दिन। दोनों पार्टी एक ही जगह पे रहने वाली है, एक ही सोसाइटी में रहते हैं और पुराना उनका झगड़ा है, उसके वजह से वो दोनों गट में मारामारी हो गई। उसमें गुनाह दाखिल हो गया है, 12-13 लोग हैं आरोपी। अभी आज 4 लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी लोगों को भी अरेस्ट करेंगे।